हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी हम सोनमार्ग में बहुत सारे एंजॉय करने के बाद पहलगाम की ओर जा रहे हैं। पहलगाम सोनमार्ग से 170 किलोमीटर के करीब दूर है। आइए आपको पहलगाम की ओर लेकर चलते हैं। पहलगाम जाने के लिए सोनमर्ग से वापस श्रीनगर होते हुए अनंतनाग आना पड़ता है और वहां से पहलगाम को रास्ता जाता है। पहलगाम भी श्रीनगर की तरह ही प्लेन एरिया में है और यह लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। पहलगाम भी कश्मीर के फेमस टूरिस्ट पॉइंट में आता है, बल्कि यह सीनरिक ब्यूटीज में कश्मीर के बाकी सब प्लेसेस को बहुत पीछे छोड़ देता है। इस स्थान की महत्ता हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यह अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। इसका मूल नाम बैलगांव था और कहा जाता है कि जब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाने जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर अपना बैल छोड़ा था। इसी वजह से इस स्थान का नाम बैलगांव पड़ गया, जो धीरे धीरे स्थानीय प्रभावों से चेंज होता होता पहलगाम बन गया। पहलगाम पहुंचने में म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से 40 रुपए का टैक्स लगता है। ये अंधेरा है, इस टाइम दिख नहीं रहे अच्छे से। अमरनाथ यात्रा के ये बेस कैंप है पहलगाम। अंदर रहने के लिए टेंट बहुत बढ़िया बने होते हैं, लंगर का भी अच्छा प्रबंध होता है अंदर। और लेफ्ट साइड में चल रही लिद्दर नदी का फ्लो बहुत तेज है और इसके फ्लो से आती तेज आवाज और ठंडी हवा हमें रोमांचित कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, रात के 10 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं पहलगाम। गाड़ी बहुत तेज चलाई है अपनी तरफ से, तब जाके हम 10 बजे पहुंचे हैं और अभी हम डिनर करेंगे। क्या काफ़ी दुकानें बंद हो रही हैं, मगर अभी भी मार्केट खुली है। यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट बहुत कम है। अभी हम डिनर करेंगे, उसके बाद फिर होटल में जाएंगे। रात के 11 बज चुके हैं और हम आ गए हैं होटल में। होटल का नाम है अल्पाइन K2। हम अभी रात की वजह से आपको बाहर का व्यू तो नहीं दिखा पाएंगे। अभी मैं जो रूम सेलेक्ट किया है अपनी फैमिली के लिए, उसका आपको व्यू दिखाता हूँ। इसमें गीजर, वाईफाई सब कुछ हमें मिलेगा। LED भी है, हमें फुल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और रेट भी अभी बहुत जायज़ हैं इसके। आपको यहाँ पे रूम 1000 रुपये में आसानी से मिल जाएगा और अगर आप ब्रेकफास्ट चाहते हैं तो वो भी इंक्लूड दे देते हैं पैकेज में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और हमारे होटल से बाहर का व्यू देखिए, ग्रीनरी ग्रीनरी है और सामने से नदी के बहने की आवाज़ें आ रही हैं जो हमें मंत्रमुग्ध कर रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे ट्रिप का 6th डे है, सुबह के 10 बज चुके हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम पहलगाम की लोकल साइट सीन्स करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अरू वैली जाएंगे। आइए आपको लेके चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं दाना पानी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। रात को हमने डिनर भी यहीं पे किया था, डिनर भी बहुत अच्छा था और उम्मीद करते हैं ब्रेकफास्ट भी अच्छा ही होगा। और एक और बात, ये 100% वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। अब बात आती है पहलगाम में देखने के लिए क्या कुछ है। अगर आप जुलाई अगस्त में पहलगाम आने की सोच रहे हैं तो अमरनाथ यात्रा से बड़ा विजिटिंग प्लेस पहलगाम ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। इस यात्रा के रास्ते में आपको कई सारे ग्लेशियर्स के साथ साथ बहुत सारे एडवेंचर्स, ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक मोमेंट्स, सीनरीज
और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए, ये एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस भी रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है पहलगाम में देखने के लिए, जिनमें से अरू वैली, वेसरन वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, मिनी जू और गोल्फ कोर्स फेमस है। इसके अलावा पहलगाम में बहुत सारे पार्क भी हैं और लिद्दर नदी के किनारे कैंपिंग करने या वहां के पानी में कुछ समय स्पेंड करने का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। और जैसा कि आपको पहले बताया था, अब हम सबसे पहले अरू वैली जा रहे हैं, जो कि पहलगाम से 12 किलोमीटर के करीब दूर है। और यहाँ जाते हुए ही रास्ते में सबसे पहले गोल्फ कोर्स और फिर मिनी जू आता है। अभी हम देखिए चढ़ाई चढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ की सड़क बहुत ही छोटी है, दो गाड़ियाँ मुश्किल से ही निकल सकती हैं। यहाँ पे सड़क बहुत ही कच्ची पक्की है, बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलाएं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लेह लद्दाख वाली फीलिंग ले सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, खतरनाक मोड़। गाड़ी सिर्फ पहले गियर पे ही चढ़ रही है। आसपास छोटे छोटे नाले बह रहे, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। ड्राइवर भी घट खतरनाक। अगर पहलगाम आए हैं तो अरू जरूर आए, यहाँ का रास्ता देखने के काबिल है। रोड छोटी और बहुत ज़्यादा खतरनाक, साफ नहीं बहती नदी, ऊपर खूबसूरत आसमान, खूबसूरत पेड़ पहाड़, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ ड्राइविंग। यहाँ पे ये सब व्यूज देख के एक गाना याद आ रहा है। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात जगा है कहीं पर नहीं, जो बात जगा है कहीं पर नहीं। ओ दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात जगा है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात जगा है कहीं पर नहीं, जो बात जगा है कहीं पर नहीं। ओ दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात जगा है कहीं पर नहीं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अरू विलेज। यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे गेस्ट हाउस भी अवेलेबल हैं। अगर आप टैक्सी पर आए हैं तो ये सामने दिख रहे बैरियर तक ही आपको उतरना पड़ेगा, मगर अगर आप अपनी गाड़ी पर आए हैं तो यहाँ से आधा पौना किलोमीटर आकर जाकर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बताया था हम पहुंच गए अरू विलेज। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
अभी अरू वैली यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप 2 तरीके से जा सकते हैं, या घोड़े से या ट्रैकिंग करके। अभी हम ट्रैकिंग करके वहाँ पर जा रहे हैं, आइए आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। और यहाँ का व्यू भी देखिए, आप आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाले साइड सीन्स हैं और नीचे वाले 3 ट्रैकिंग हैं। ये घोड़ों के रेट लिखे हुए हैं, जो जहाँ जहाँ लेके जाते हैं उसके हिसाब से रेट हैं। तो रेट लिखे हैं, घोड़ों के रेट लिखे हुए हैं। ये क्या कैसे फिक्स होते हैं? डिस्काउंट मिलता है, मतलब ये वैसे ही जो इसे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, कम जितना मर्जी ले सकते हो। आरू वैली जाना हो तो कितना टाइम लगेगा और कितने रुपए लोगे आप? आपको पौना घंटा लगेगा घोड़े पे आने जाने में। वहाँ पे है क्या देखने को? वहाँ पे शूटिंग प्लेस है। हाँ जी, शूटिंग प्लेस बहुत सारी मूवीज की शूटिंग बनी है। अपने व्यू है फिलहाल देखने को, गर्मा बनी है, फरिश्ते बजेंगे बजा रॉक स्टार जब तक। काफ़ी सारी मूवियों की यहाँ पे शूटिंग होती है, ठीक है। और उससे आगे जाना हो, जैसे केव दिख रही है मुझे, ये कौन सी केव है? केव ये पुरानी जमानी की है, झरना निकलता है। ये कितना दूर है यहाँ से? ये आरू वैली की साइड है, उस साइड से। अच्छा अगर आप एक टाइम पे एक पॉइंट लेके जाओगे, या हमें आरू वैली लेके जाओगे या केव लेके जाओगे, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अगर दोनों जगह जाना हो तो कितने लगेंगे? अगर आरू वैली सिर्फ जाना तो कितने लगेंगे? आरू वैली का आपको 400 रुपये लेगा, आरू वैली आन जाने का। तो और आरू वैली और साथ में केव तक जाना हो तो? केव आपको 700 रुपये, 700। अगर सिर्फ केव जाना हो तो? केव सिर्फ 350। हमें एक जगह जाना है तो हम कहाँ पे जाए? आरू वैली जाना पसंद करें, केव? आरू वैली बेस्ट, आरू वैली ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं फिर आरू वैली ट्रैकिंग करके, आइए आपको साथ में लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का कैसा व्यू है। ये सामने दिख रहा है रास्ता, ऊपर जो जा रहा है वहाँ पर जाना है हमने। कई लोग शॉर्टकट भी आ रहे हैं। दोस्तों, वहाँ से हम यहाँ तक आ गए हैं, ये रास्ता पार करके। मैं अपनी बूढ़ी माँ को भी साथ में खींच लाया हूँ आधे रास्ते, और बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है वहाँ तक पहुँचने में। और मेरी घरवाली तो काफ़ी आगे पहुँच गई है, मैं अपनी माँ के साथ आ रहा हूँ तो थोड़ा स्लो हूँ।
ये और इस जगह के लिए एक गाना तो बनता ही है। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैना जाए, जरा पास आओ तो चैना जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैना अरू वैली की। इन्होंने चारों साइड पे बाउंड्री की हुई है। अब हम आगे जाकर देखते हैं आगे क्या है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ढलान बढ़ती जा रही है और सामने अरू विलेज का क्लियर व्यू दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप भी जहां आए तो अरू वैली आना ना भूले। जहां भी दूर तक देख रही हूं हरियाली ही हरियाली दिख रही है और यहां चल रही ठंडी ठंडी हवा हमें बहुत ही रोमांचित कर रही है। यहां पे बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हम वापस अरू विलेज की ओर चल पड़े। मैं जा रहा हूं जल्दी बात कर। हेलो फ्रेंड्स, हम अभी ट्रैकिंग करके भी जस्ट वापस आ रहे हैं। हमें ट्रैकिंग करने में 3 घंटे लगे हैं। बहुत मज़ा आया ट्रैकिंग करके। ऊपर का व्यू बहुत ही अच्छा है, ऊपर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। वहाँ पे कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं मगर कोरोना के वजह से अब तक बंद हैं और पता नहीं अब कब चलेंगी। पर अब हम वापस आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं बिताव वैली की ओर। आइए आपको बिताव वैली लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको चंदनवाड़ी और बिताव वैली लेकर चलेंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। और अगर आपने हमारी मंसूरी की वीडियो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आए आई बटन को दबाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।